वाड़ी पुलिस अंतर्गत दौलामिट्टी स्थित न्यू वाड़ा कॉलोनी में हुई हत्या में दो मुख्य आरोपी तथा एक नाबालिग का समावेश होने का खुलासा वाड़ी पुलिस ने किया है। मिली जानकारी के अनुसार अपराध में वाड़ी की निवासी सुहानी राजेश तिवारी उम्र 31 वर्ष व्यवसायिक गृहिणी पता प्लॉट नंबर 158 क्वार्टर नंबर 158 न्यू वाड़ा कॉलोनी दौलामिट्टी निवासी ने शिकायत की कि उनके पति राजेश राघव तिवारी उम्र 40 साल बिजनेस प्राइवेट 2 जुलाई को लगभग 12:30 बजे जब वह सो रहे थे तब घर पर उसके परिचित आरोपी करण सोहन पाथो उम्र 28 हंसापुरी छोटी खदान गांधीबाग निवासी और तेज सिंह सिसोदिया उम्र 25 साल मारुति नगर एकता मेडिकल दत्तवाड़ी निवासी और एक 17 वर्षीय नाबालिग आरोपी मृतक राजेश के आवास पर उससे मिलने आए। तब राजेश सो रहा था और आरोपियों ने दरवाजा खटखटाया और राजेश के घर से निकलने पर उनके साथ चला गया। राजेश तिवारी को लाठी जैसे हथियार से मारा और लात घूंसे से भी पीटा है। सुबह करीब 7 बजे जब पत्नी राजेश तिवारी को जगाने गई तो राजेश तिवारी उठाने तो पति ने अपने देवर को घर पर बुलाया। जब जानकारी वाड़ी थाने तक पहुंची तो पुलिस ने FIR दर्ज की थी जिसमें कई संगठन ने अपनी आक्रामक प्रतिक्रिया दी थी, परंतु वाड़ी पुलिस ने पोस्टमार्टम का इंतजार किया और पोस्टमार्टम में हत्या साबित होते ही धारा 103(1)-79(3)(5) के तहत मामला दर्ज किया। आगे वाड़ी पुलिस स्टेशन PI राजेश तटकरे के मार्गदर्शन में DP पदक के प्रमुख PSI कुणाल थुरट SC प्रमोद गिरी प्रवीण फलकी हेमराज बराड सतीश येसनकर प्रमोद सोनू ने इन्होंने आरोपी करण सोहन बाथो उम्र 28 साल हंसापुरी छोटी खदान गांधीबाग निवासी और तेज सिंह सिसोदिया उम्र 25 साल मारुति नगर एकता मेडिकल दत्तवाड़ी निवासी और एक नाबालिग को धर दबोचा। आरोपी करण और तेज को न्यायालय में पेश किया तो न्यायाधीश ने 7 जुलाई तक पुलिस हिरासत का आदेश दिया है और एक नाबालिग को बाल न्यायालय की तरफ रवाना किया गया है। आगे की जांच वाड़ी PI राजेश तटकरे के मार्गदर्शन में जारी है। नमस्कार, मैं राजेश तटकरे पुलिस निरीक्षक वाड़ी पुलिस स्टेशन। 2 दिवसापूर्वी राजेश तिवारी राहणारे LIG न्यू वाडा कॉलनी दौलामेटी नागपूर यांच्या मृत्यू प्रकरणी अकस्मात मृत्यूची नोंद पोलीस स्टेशनला घेण्यात आली होती। त्यांचं काल पोस्टमार्टम झाल्याच्या नंतर जो प्रोविजनल रिपोर्ट आला त्याच्यामध्ये हार्ड अँड ब्लंट ऑब्जेक्टनी हेड इंजुरी दाखवल्यामुळे सदर प्रकरणात वाडी पोलीस स्टेशनला 320/24 कलम 103(1)-79(3)(5) भारतीय न्यायिक संहितेअन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। या गुन्ह्यामध्ये 3 आरोपी आहेत, त्यापैकी करण बाथो आणि तेज सिंग सिसोदिया या 2 आरोपींना अटक करण्यात आलेली आहे। त्यांना आज रोजी माननीय न्यायालयासमोर हजर करून त्यांची पोलीस कस्टडी घेण्याची तजवीज ठेवलेली आहे। आरोपींचा शोध घेण्याबाबत माननीय CPSO माननीय जॉईंट CP मॅडम त्याचप्रमाणे दक्षिण प्रादेशिक विभागाचे श्री राठोड साहेब माननीय दोनों सर श्री जैन सर MIDC विभागाचे ACP श्री शेळके सर आणि माझ्या DB टीमचे PSI धुरट आणि स्टाफ त्यांनी तसून प्रयत्न केले असून त्याच्यात हे 2 आरोपी अटक झाले, 3रा आरोपी JNI आहे, त्याबद्दल योग्य ती कारवाई करण्यात येत आहे। NBC न्यूज के लिए वाडी से संवाददाता की रिपोर्ट।